अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या करूं मैं, अंदर कैसे जाऊं? आवाज कैसी थी? कैसे पता करूं कि अंदर क्या हो रहा है? पिटनी सी लड़की, तूने मुझे मारा? रुक, मैं तुझे अब छोड़ूंगी नहीं। अब पड़ी रहे बेजान सी, पड़ी आई मुझे मारने वाली। वापस आ गया। आपने आपने अपनी मम्मी को पहचान लिया ना? मम्मी, मैंने आपको हर वक्त हर दिन बहुत मिस किया। मैंने आपको भी बहुत मिस किया जूही, और पापा ने भी आपको बहुत मिस किया। पापा भी आए, बाहर इंतजार कर रहे हैं आपका। पापा अगर हो तो प्लीज मुझे यहाँ से लेकर जाओ। हाँ जूही, हम आपको यहाँ से लेकर जाने के लिए आए। बहुत गंदे, प्लीज मुझे यहाँ से लेकर जाओ, प्लीज। मैं और आपके पापा आपको यहाँ से लेकर जाने के लिए आए जूही। आप बिल्कुल मत डरो, थोड़ा और इंतजार करो। हाँ, फिर हम आपको यहाँ से लेकर जाएंगे। लेकिन आपको भी मेरी एक हेल्प करनी होगी। कैसे? ये लोग जब भी आपको इंजेक्शन लगाए ना, तो आपको होश में ना रहने की एक्टिंग करनी है। मैंने इंजेक्शन से दवाई निकाल के उसमें पानी डाल दिया, आपको कुछ नहीं होगा। आपको बस होश में ना रहने की एक्टिंग करनी है, ठीक है? फिर आपको यहाँ से आपकी मम्मी वापस लेकर जाएंगे। जूही, क्या हुआ आपको? जूही बेटा, आपको क्या हो रहा है आपको? एक सेकंड, ये तुम निकलो। ये क्या हो रहा है? इसका मतलब कमरे में उस लड़की के साथ कोई ना कोई तो है। मुझे तुरंत देखना होगा। पानी, जय जुगनी मैया की। जय जुगनी मैया, जो आपको कहा है वो करना, ठीक है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो इस कमरे में आने की? हाँ, और वो भी मेरे इजाजत के बगैर। ये तुम जुगनी माता को क्या पिला रही थी?
और वो भी मेरे सामने उन्हें गले लगा के। तुम उसके कान में क्या बात कर रही थी? आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एक तो गलती आपकी है, ऊपर से आप मुझे सुना रही हैं। अरे ये क्या बकवास कर रही है तुम? बकवास? ये क्या तमाशा लगा रखा है? क्या हुआ यहाँ पर? गुरुमा, ये औरत बिना पूछे जुगनी माता के कमरे में चली आई। पता नहीं जुगनी माता को ये क्या पिला रही थी, उसके कान में कुछ तो फुसफुसा रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ सही समय पे आ गई और मैंने इसे रोक लिया, वरना ये औरत आज क्या कर लेती पता नहीं। ये शोर और वो भी जूही के कमरे से, लगता है रुचिता मुसीबत में फंस गई। हे भगवान, रुचिता की रक्षा करना। नहीं नहीं गुरुमा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। गुरुमा, कुछ भी नहीं किया है। भला आप मुझ जैसे तुच्छ औरत ऐसा ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती है। बल्कि मैंने तो ये देखा, जब मैं कमरे में आई तो ये साक्षी जी पता नहीं माता को क्या पिला रही थी, जिससे इनकी तबीयत खराब होने लगी, इनसे दौरे पड़ने लगे। तो मैंने इनके हाथ से पानी लेकर के फेंक दिया, तो इन्होंने सारा इल्जाम मेरे सर पे लगा दिया। नहीं नहीं गुरुमा, इतना बड़ा झूठ। गुरुमा, इस सच्चाई साबित करने का एक ही तरीका है। यहाँ जो कुछ भी हुआ उसकी स्वयं साक्षी जुगनी माता है। तो क्यों ना हम ये फैसला उन्हीं के हाथों पे छोड़ दें? बिल्कुल सही कहा इसने, यह फैसला जुगनी माता को ही लेना चाहिए। गुरुमा, मैंने कुछ नहीं किया। गुरुमा बस शांत हो जाइए आप। अगर आप सबकी यही मर्जी है तो यही से सभा बिठाई जाए। आज किसी ने हमारी जुगनी माता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। अभी तो माता ही बताएंगी कि उनका असली दोषी कौन है, उसके बाद उसे कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। इस लड़की को तो पहले इंजेक्शन का डोज दे दिया है, अब भला ये क्या बोलेगी? मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि गुरुबा मुझे अच्छे से जानती है कि मैं कभी गलत काम नहीं करूंगी। जुगनी माता, अब फैसला आपके हाथ में है। आप ही बताइए, इन दोनों में से किसने आपको नुकसान पहुंचाने की प्रार्थना की है? नहीं, ठीक से देखिए, पक्का ये दोषी है? हाँ ये ही है दोषी। इस सेविका ने हमारी जुगनी माता को नुकसान पहुंचाया है, इसे सजा मिलनी चाहिए। नहीं गुरुमा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अपराधी है, इसे मारो, सजा दो। गुरुमा आप तो जानती ना, मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैंने कुछ नहीं किया है गुरुमा, मैंने कुछ नहीं किया। तो क्या जुगनी माता झूठ बोल रही है? लोगों की आस्था का फायदा उठा रहे थे ना तुम लोग, अब देखो कैसे अपने ही बनाए चक्रव्यूह में फंसकर कैसा लगता है। अगर जुगनी माता ने बोला है कि ये दोषी है तो इसको जरूर सजा मिलेगी। आज से तुम्हें मुख्य सेविका पद से निष्कासित किया जाता है। आज रात को ही आश्रम छोड़कर तुम चली जाओ। जुगनी मैया की जय। जुगनी मैया की जय। जुगनी मैया की जय। आखिर इस जुगनी माता ने इसका साथ क्यों दिया?
कुछ तो चक्कर है इसका, मैं पता लगा कर रहूंगी। इससे पहले हम पर किसी को शक हो, हमें जूही को लेकर यहां से निकलना होगा। देखिए मन सुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।